The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. So, namaskar. So, blood thinner ke baare mein humne dekha ke blood thinner kaun-kaun se होते हैं. उनके दो प्रकार होते हैं, एंटी कोएगुलेंट, एंटी प्लेटलेट, और उसमें क्या क्या होता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. अभी बात करेंगे कि ब्लड थिनर के साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं. एक तो बहुत ही कॉमन सा सीधा साधा साइड इफेक्ट है कि ब्लड थिनर, खून पतला करने की दवाई लेने से आपको ब्लीडिंग हो सकता है. अगर ब्लीडिंग हो सकता है मतलब खून क्लॉट हो सकता है. ब्लीडिंग होगा मतलब फीमेल्स की पीरियड जो है वो हैवी हो सकती है, यूरिन में ब्लड आ सकता है, या ब्लडी यूरिन या डिसकलर्ड अलग कलर का यूरिन या पीसेस स्टूल आ सकता है. नाक से ब्लीडिंग हो सकती है, गम से ब्लीडिंग हो सकती है. अगर कहीं पे चोट लग गई तो वो टाइम ऑफ क्लॉट जितनी जल्दी है वो बढ़ जाएगा, ब्लीडिंग ज़्यादा देर तक होगी. इसके अलावा कई बार इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, उसके साइन हो सकते हैं कि चक्कर आना, सर में दर्द होना. उसके अलावा रैशेज आ सकते हैं, चमड़ी के अंदर ब्लीडिंग हो सकती है, मसल वीकनेस आ सकती है, और हेयर लॉस भी हो सकता है. सो ये याद रखिएगा, ये सारे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं. द प्रेजेंस ऑफ ब्लड थिनर इन योर सिस्टम इट्सेल्फ कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ इंटरनल ब्लीडिंग. तो ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ऐसे पेशेंट जिनको ऑलरेडी इंटरनल ब्लीडिंग की हिस्ट्री है कि ब्रेन में ब्लीड हो चुका है यहाँ पे, उनको फिर वो नहीं दिया जाता, उनके बंद कर दिए जाते हैं. सो ये हिस्ट्री अगर आपको है तो डॉक्टर को अपने ज़रूर बताएं. इसके अलावा अगर आप ऐसे कोई कॉन्टैक्ट स्पोर्ट में काम करते हैं, मान लीजिए तो, या कोई ऐसे मारधाड़ वाले कोई आपका जॉब है, तो आप अपने उस जॉब में जॉब चेंज करें. आप डेंटिस्ट के पास जा रहे हो तो डेंटिस्ट को अपने दवा के बारे में बताएं. कोई ऐसी एक है ना, एक्सरसाइज रेगुलर करें, अपने लाइफस्टाइल मेंटेन रखें, वो इम्पॉर्टेंट है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ड्रग इंटरैक्शंस. अब देयर इज़ अ वेरी बिग रोल ऑफ वाइटामिन के. वाइटामिन के बारे में आपने सुना होगा, बिकॉज वाइटामिन के आपका के फॉर काइट इम्पॉर्टेंट है आपके कोएगुलेशन में. एंटी कोएगुलेंट का काम करता है वाइटामिन के, ठीक है. और यही वाइटामिन के दिया जाता है. अगर वॉरफरिन आपको दिया जा रहा है तो वॉरफरिन का इफेक्ट ज़्यादा हो जाए तो खून ज़्यादा पतला हो जाए, या ब्लीडिंग हो रही है तो वाइटामिन के दिया जाता है इंजेक्शन के फॉर्म में कि आपकी ब्लीडिंग रुक जाए. और आप क्या कर सकते हैं, यही चीज़ अवॉइड कर सकते हैं कि ये वाइटामिन के रिच फूड बहुत ज़्यादा ना खाएं. अगर आपका खून पतला करने की ज़रूरत है, बीमारी है, खून की क्लॉट बना हुआ है बॉडी में, या फिर हार्ट का अटैक हो चुका है, स्ट्रोक हो चुका है, वाल्व लग चुका है, डॉक्टर ने बोला है, तो ये दवाइयाँ, ये सारी चीज़ें जैसे कि ब्रोकली, कैबेज, उसके अलावा एस्पैरेगस, केल, हरे पत्ते वाली सब्जियाँ जिनमें विटामिन के ज़्यादा होता है, स्पिनच, लेटिस, मस्टर्ड ग्रीन, ये सब चीज़ें जो है कम खाएं. ये इंपॉर्टेंट है विटामिन के वजह से. क्यों? क्योंकि खासकर एंटी कोएगुलेंट अगर आप ले रहे हैं तो ये चीज़ें, खासकर वॉरफरिन, इनके साथ ज़्यादा रिएक्ट करती हैं. हाँ, नए वाले एंटी कोएगुलेंट रिवोरॉक्सिबान और एपिक्सबान, ये उसके साथ ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते. और इसके बारे में हमने देखा नए वाले एंटी कोएगुलेंट क्या होता है, उसमें फिर आपको ये सारे रिस्ट्रिक्शन नहीं होते. सो ये सारे फायदे हैं नए दवा आने में. फिर कई सारे हर्ब्स हैं. आप अगर एंटी कोएगुलेंट ले रहे हैं, याद रखिए एंटी प्लेटलेट छोटे भाई है तो उनके साथ इतना रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एंटी कोएगुलेंट के साथ है. एंटी कोएगुलेंट ले रहे हैं तो कुछ टाइप के हर्ब्स आपको ध्यान से लेने हैं. फॉर एग्जाम्पल इवन क्लोव, आप क्लोव भी, या कई सारे हर्ब्स हैं जैसे जिनसिंग हो गया, फिर ऐसा जिंको बिलोबा हो गया, ऐसे कुछ हर्ब्स हैं, हर्बल सप्लीमेंट्स या हर्बल टी या हर्बल काढ़ा या आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी आपको अपने डॉक्टर से डिस्कस करके लेनी है, आयुर्वेदिक वाले, कि भैया इसका इफेक्ट ब्लड थिनिंग में तो नहीं है. पहला सवाल कि ये भी ब्लड थिनिंग, वो भी ब्लड थिनिंग, डबल तो नहीं हो रहा, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. उसके अलावा दारू, अल्कोहल, क्रैनबेरी जूस, ये भी गड़बड़ कर सकता है अगर आप ब्लड थिनिंग वाली दवा ले रहे हो. अवॉइड एज मच एज पॉसिबल. नहीं अवॉइड कर रहे तो 3-4 घंटे का गैप रखो, पहले ले लो बाद में ले लो, ये इंपॉर्टेंट है. मेडिसिन, कौन कौन सी मेडिसिन इसके साथ इंटरेक्ट कर सकती है, कुछ प्रकार की एंटीबायोटिक्स, कुछ एंटी फंगल, कुछ पेन रिलीविंग, कुछ एंटी एंटासिड भी, वो रिस्क बढ़ा सकती है ब्लीडिंग का. तो पेन किलर से गैस का अल्सर हो सकता है,
रिस्क बढ़ा सकती है। तो अननेसेसरी दवाई नहीं लेना, लेना है तो अपने डॉक्टर को बता के लेना जिसके साथ ट्रीटमेंट चल रहा है। बर्थ कंट्रोल पिल्स बहुत ज़रूरी है, उसको समझना। फीमेल्स के लिए बर्थ कंट्रोल पिल्स के साथ एंटीकोएगुलेंट क्लॉटिंग का रिस्क बढ़ जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और नेचुरल ब्लड थिनर जिसको बोलते हैं, नेचुरल ब्लड थिनर में कौन कौन आता है, कुछ खाने पीने की चीज़ें, कुछ हर्ब्स हैं जो नेचुरल ब्लड थिनर बोला जाता है, नेचुरल एंटीकोएगुलेंट इफेक्ट है जो प्रिवेंट करती है ब्लड को क्लॉट होने में। ऐसी चीज़ें हैं जो आप ले सकते हैं अपनी डाइट में, कुछ को नॉर्मली ले रहे हैं, कुछ आप ज़्यादा मात्रा में ले सकते हो, कुछ कम मात्रा में कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन आपका ब्लड अभी कितना पतला है और कितना पतला करने की ज़रूरत है, डिस्कसिंग अवाई विथ योर डॉक्टर। तो नेचुरल एंटीकोएगुलेंट कौन कौन से है, अब एक तो है गार्लिक, गार्लिक जिंजर, अदरक लहसुन, अदरक लहसुन दोनों, गार्लिक जिंजर, सिलरी की सीड, एनी सीड नाम की चीज़ आती है। उसके अलावा वाइटामिन ई, वाइटामिन ई, ई फॉर एलिफेंट और के फॉर काइट, ये दोनों भी थोड़े थोड़े नेचुरल एंटीकोएगुलेंट, थोड़े ब्लड थिनर माने जाते हैं, सॉरी के एंटीकोएगुलेंट है, ई ब्लड थिनर है, ओके, के ई, के फॉर काइट, ई फॉर एलिफेंट, ई जो है एंटी, ई एक ब्लड थिनर हो गया और के फॉर काइट एंटीकोएगुलेंट हो गया। तो ई किस में ज़्यादा है, ई ज़्यादा है ऑलिव में, कॉर्न में, मक्की में, सोयाबीन में, वीट, वीट जर्म में, इसमें ज़्यादा है। और ई दूसरी चीज़ों वैसे स्पिनिच में, टमाटो, मैंगो, कीवी, पीनट बटर, ऐसी चीज़ों में, सनफ्लावर ऑयल, ब्रोकली, इसमें ई भी ज़्यादा है। लेकिन इस चीज़ों में, हरे पत्ते वाली सब्जियों में के और ज़्यादा पाया जाता है, तो के लिए हरे पत्ते वाली सब्जियाँ मना की जाती हैं। तो ये बातें इंपॉर्टेंट आ गई आपके डाइट के साथ। तो नेचुरल एंटीकोएगुलेंट किसके लिए बेनिफिशियल है, उनके लिए बेनिफिशियल है जिनको हार्ट की बीमारी का रिस्क है और वो एंटीप्लेटलेट नहीं ले रहे हैं, जो मोटे हैं, जिनको डायबिटीज़ हैं, जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, जिनको थायराइड है, जो एक्सरसाइज नहीं करते, ऐसे लोगों के लिए इट इज़ वेरी वेरी गुड टू ईट नेचुरल एंटीकोएगुलेंट्स, यानी कि वाइटामिन ई युक्त चीज़ें, गाजर, अदरक लहसुन, सिलरी की सीड और एनी के सीड, एनी सीड, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत बढ़िया है। सोयाबीन अच्छा है, कॉर्न अच्छे हैं, ऑलिव अच्छे हैं, ऑलिव ऑयल अच्छा है, वीट जम ऑयल अच्छा है, स्पिनिच, टोमेटोज अच्छे हैं, मैंगोज अच्छे हैं, कीवीज अच्छे हैं, पीनट बटर, आलमंड, सनफ्लावर सीड, ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। तो ये है आपका इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो आपको समझना है कि एंटीकोएगुलेंट के रिस्क क्या होते हैं, एंटीप्लेटलेट से भी, यानी कि इकोस्प्रिन और क्लोपिडोग्रेल से भी कई सारे रिस्क होते हैं। जैसे इकोस्प्रिन से भी, मान लीजिए कोई ऑपरेशन कर रहे हैं, तो ऑपरेशन करने वाले हैं तो उसमें ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है, तो इकोस्प्रिन और क्लोपिडोग्रेल दोनों चल रही है तो एक दवाई बंद की जाती है, या कोई मेजर ऑपरेशन है तो 3 दिन के लिए दवाई बंद करने के लिए बोलते हैं, छोटा मोटा ऑपरेशन है तो फिर इकोस्प्रिन चला सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कितना ज़रूरी है और कितना टाइम हो चुका है आपका चालू होके वो दवाइयाँ। तो ये सारे छोटे मोटे फैक्टर्स हैं जो आपको अपने डॉक्टर से डिस्कस करने हैं व्हेन यू आर ऑन एंटीप्लेटलेट्स और एंटीकोएगुलेंट्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कौन सी दवा ले रहे हो, क्यों ले रहे हो, बहुत ज़रूरी अपने डॉक्टर से डिस्कस करो। और प्लीज़ बी इन्फॉर्म्ड बाय योर हेल्थ एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन। दिस इज डॉक्टर परमजीत, थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।